इस वीडियो में हम प्रकृति कक्षा 5 की कार्यपुस्तिका के पाठ 5 जीव जंतुओं की रोचक बातें इस पाठ की सभी वर्कशीट का हल देखेंगे। तो यहाँ सबसे पहले हम देखते हैं इस पाठ की पहली वर्कशीट में पहले प्रश्न को। नीचे दिए जो यहाँ पर आपको चित्र दिए गए हैं, नीचे चित्र में दर्शाए गए इंसान पक्षी और जानवर की आँखों की तुलना करके तालिका में लिखिए। यहाँ पर आपको ये इंसान की आँखें हैं, पक्षी है और ये जानवर हैं, तो इनकी आँखों की आपको तुलना करनी है। तो यहाँ पर देखिए सबसे कम जो यहाँ पर है वो है पक्षी और इंसान दोनों से कम है, जानवरों की आँखें होती हैं, ये पक्षियों से भी और इंसानों से भी कम देख सकते हैं। पक्षी सबसे अधिक देख सकते हैं और पक्षी से कम इंसान की आँखें देख सकती हैं, तो इस तरह से आप इसे तुलना कर देंगे। अब हम आगे देखते हैं अपने अगले प्रश्न को। बाज और उल्लू की आँखों में क्या अंतर एवं समानताएं हैं? यहाँ पर आपको बाज की आँखें और उल्लू की आँखें दी गई हैं, आपको इनमें अंतर बताना है और समानताएं बतानी हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले ऊपर तो हमने इनके अंतर लिख दिए हैं। देखिए जो बाज होता है वो दिन के समय देख सकता है, उसे दिन के समय में दिखाई पड़ता है, लेकिन जो उल्लू होता है वो रात में ही बहुत अच्छे से और बेहतरीन देख सकते हैं। इसी तरह से अगर हम बात करें जो बाज होते हैं, इनकी आँखों में जो शलाका कोशिकाएं होती हैं वो कम संख्या में पाई जाती हैं, जबकि उल्लू की आँखों में जो शलाका कोशिकाएं होती हैं वो अधिक संख्या में पाई जाती हैं। आगे अगर बात करें तो बाज की आँखों में जो शंकु होते हैं, ये एक संरचनाएं होती हैं, ये अधिक संख्या में पाई जाती हैं, और उल्लू की आँखों में ये शंकुनुमा संरचनाएँ कम संख्या में पाई जाती हैं। तो इस तरह से ये तो हुआ इनमें अंतर। अब हम देखते हैं इनमें समानताएं। दोनों पक्षी हैं तो दोनों की आँखें पक्षी वर्ग की आँखें हैं। पक्षी वर्ग की जो आँखें हैं वो तेज दृष्टि वाली होती हैं, तो दोनों की दृष्टि तेज होती है, बाज की भी और उल्लू की भी। आगे समानता ये है कि दोनों की आँखें सामने की तरफ हैं, दोनों की आंखें सामने की तरफ हैं, बाज की भी और उल्लू की भी, दोनों की आंखें सामने की तरफ हैं, तो ये इनमें समानताएं हैं। अब हम आगे देखते हैं अगले प्रश्न को। दूसरी वर्कशीट है ये इसी पाठ की, और इसमें पहला प्रश्न है, नीचे दिए गए जानवरों में किस जानवर की सूंघने की शक्ति सबसे अधिक होती है? तो यहाँ चार जानवर दिए गए हैं, हाथी, चींटियाँ, सांप और मछली। इन चारों में सबसे अधिक सूंघने की शक्ति है चींटियों की, तो आप यहाँ पर निशान लगा देंगे चींटियाँ। दूसरा प्रश्न है इसमें, चींटियाँ और उनके जैसे अन्य जानवर अपनी सूंघने की शक्ति का उपयोग कैसे करते हैं? उन जानवरों के नाम लिखिए जो अपने सूंघने की शक्ति का उपयोग भोजन ढूंढने के लिए करते हैं। तो देखिए यहाँ कुछ ऐसे जानवर होते हैं, हमारी प्रकृति में ऐसे कुछ जानवर हैं जो अपनी सूंघने की शक्ति के चलते बहुत सी इंसानों से या अन्य दूसरे जानवरों से अलग तरह की हरकतें करते हैं। ये जानवर कुछ विशेष ध्वनियों, स्पर्श और गंध आदि की सहायता से अपने सूंघने की शक्ति का उपयोग करते हैं। जैसे चींटियाँ होती हैं, चींटियाँ लाइन लगा कर के चलती हैं, वो एक के पीछे एक लाइन, बिल्कुल उनकी लाइन लगातार चलती है, वो अपने पीछे कुछ विशेष तरह की गंध छोड़ती जाती हैं और दूसरी चींटी उसका पीछा करते हुए, उसका अनुसरण करते हुए उनके पीछे चलती जाती हैं। तो ये उनकी कुछ विशेष, उनमें कुछ खासियत हैं, तो ये अपनी सूंघने की शक्ति का इस तरह से प्रयोग करते हैं। सूंघने की शक्ति से भोजन ढूंढने वाले जानवर हैं, जैसे शेर है, चीता है, बिल्ली है, चींटी है, कुत्ता है, मच्छर है, और भी बहुत से जानवर हैं आदि आप लिख सकते हैं। तो ये इस तरह से आप इस प्रश्न का उत्तर देखेंगे। आगे देखते हैं तीसरा प्रश्न है, कुत्ते की सूंघने की शक्ति किस प्रकार मनुष्यों के लिए लाभदायक है? तो कुत्ते की सूंघने की शक्ति के कारण विस्फोटक और नशीले पदार्थों को ढूंढ सकते हैं और इसके साथ साथ अपराधियों को पकड़ने में उनकी मदद ली जाती है, ये भी उनकी सूंघने की शक्ति के कारण होता है। आगे देखते हैं, अब हम अगली वर्कशीट है ये,
इसमें देखिए, निम्नलिखित सारणी के अनुसार नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। यहाँ पर आपको जानवरों के नाम दिए गए हैं और यहाँ पर उनकी सुनने की क्षमता है, उनकी आवृत्ति है, आवृत्ति की रेंज है हर्ट्ज में। तो यहाँ आप देखिए, जैसे गाय है, गाय की सुनने की क्षमता वो कहाँ से कहाँ तक सुन सकती है, 23 हर्ट्ज की ध्वनि से लेकर के 35,000 हर्ट्ज की ध्वनि को सुन सकती है। इसी तरह से घोड़ा, भेड़, कुत्ता, बिल्ली, बकरी, गधा, ये सभी इनकी सुनने की क्षमता यहाँ पर दी गई है। तो यहाँ इस टेबल के आधार पर आपको प्रश्नों के उत्तर देने हैं। पहला प्रश्न है इसमें, उपरोक्त सारणी को देखकर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। कौन सा प्राणी सबसे कम आवृत्ति वाली आवाज़ को सुन सकता है? तो देखिए, यहाँ पर गधा है, गधा 10 हर्ट्ज सबसे कम है और अधिकतम 40,000 हर्ट्ज की ये आवृत्ति वाली ध्वनि को सुन सकता है। तो गधे की जो सुनने की इसकी आवृत्ति है सबसे कम है 10 हर्ट्ज। तो यहाँ पर कौन सा प्राणी सबसे कम आवृत्ति वाली आवाज़ को सुन सकता है? तो आप यहाँ पर लिखेंगे गधा। आगे देखते हैं, इसमें दूसरा प्रश्न है, कौन सा प्राणी सबसे अधिक आवृत्ति वाली आवाज़ को सुन सकता है? तो यह है बिल्ली। आप यहाँ पर लिख देंगे बिल्ली। बिल्ली की आप इस टेबल में देख लीजिए, बिल्ली ये है, यहाँ पर देखिए इसको ध्यान से, बिल्ली 45 हर्ट्ज से लेकर के 64,000 हर्ट्ज तक की ध्वनि को सुन सकती है, इस आवृत्ति वाली ध्वनि को सुन सकती है। तो बिल्ली जो है सबसे अधिक आवृत्ति वाली आवाज़ को सुन सकती है। आगे देखते हैं अब हम दूसरे प्रश्न को इस वर्कशीट में, चमगादड़ की सुनने की क्षमता किस प्रकार उसकी मदद करती है? देखिए, जो चमगादड़ होते हैं ये खास तरह की तरंगे अपने मुंह से, अपने नाक से निकालते हैं और ये तरंगे सामने आने वाली किसी वस्तु से टकरा करके या किसी पेड़ से टकरा करके, किसी चट्टान से टकरा करके वापस आती हैं, और वापस जब आती हैं तो फिर से ये चमगादड़ उसी प्रतिध्वनि को, उस वापस आने वाली आवाज़ को सुनते हैं और अपने सामने आने वाली किसी बाधा को या किसी अन्य वस्तु को ये पहचान लेते हैं कि वो वस्तु कितनी दूर है, कैसी है, ये सभी उसके बारे में जान लेते हैं, उसकी स्थिति के बारे में, उसकी दिशा के बारे में ये पता लगा लेते हैं। तो ये इनमें एक खासियत होती है, चमगादड़ की सुनने की क्षमता बहुत अधिक होती है। वे बहुत ऊंचे सुर वाली आवाज़ निकालते हैं जो प्रतिध्वनि के रूप में वापस उसी आवाज़ को सुनते हैं, फिर ये उसी आवाज़ को सुनते हैं, इसी से वे अपने भोजन की दूरी और दिशा का पता लगाते हैं। तो ये इनकी खासियत है। इस तरह से आप इस प्रश्न का उत्तर करेंगे। आगे देखते हैं, तीसरा प्रश्न है इसमें, निम्न में से किस जीव के कान बाहर दिखाई नहीं देते हैं? देखिए, जो पक्षी होते हैं उनके कान बाहर दिखाई नहीं देते हैं, शेर, गाय, कुत्ता, इनके कान बाहर दिखाई देते हैं, तोता ये पक्षी है, इसके कान बाहर दिखाई नहीं देते हैं। आगे देखते हैं, निम्न में से किस जानवर के कान बड़े होते हैं? सही विकल्प पर सही का निशान हमें लगाना है। तो यहाँ पर हाथी है, हाथी के कान बड़े होते हैं, इस पर आप सही का निशान लगाएंगे। आगे देखते हैं, अगली वर्कशीट है ये। इसमें पहला प्रश्न है, इसमें जानवर क्यों एक दूसरे के साथ संवाद करते हैं? तो जानवर एक दूसरे के साथ संवाद करते हैं, क्यों करते हैं? इस पाठ के आधार पर आप इस प्रश्न का उत्तर लिखेंगे। अपने साथियों को विभिन्न प्रकार के खतरों से सावधान करने के लिए जानवर एक दूसरे से संवाद करते हैं। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है हमारा, पक्षी खतरे को सूचित करने के लिए विभिन्न संकेतों का प्रयोग करते हैं, इसे समझाइए। देखिए, कुछ पक्षी अलग अलग खतरों के लिए अलग अलग आवाज़ें निकालते हैं, जैसे उड़कर आने वाले दुश्मन के लिए एक तरह की आवाज़ निकालते हैं और ज़मीन पर चलकर आने वाले जो दुश्मन होते हैं उनके लिए ये दूसरी तरह की आवाज़ निकालते हैं, ताकि ये अपने साथियों को सावधान कर दे उस खतरे से। तो इस तरह से आप इस प्रश्न का उत्तर करेंगे। आगे देखते हैं, मछलियाँ किस तरह से संवाद करती हैं? तो मछलियाँ भी संवाद करती हैं, मछलियाँ अपने मुंह से विभिन्न प्रकार की आवाज़ें निकालती हैं और शरीर से भी वे कई तरह की हरकतें करती हैं। तो इस तरह से वे आपस में संवाद करती हैं, कुछ आवाज़ें निकालती हैं और कई बार अपने शरीर से अलग अलग तरह की हरकतें करती हैं, इससे वो अपने साथियों के साथ में बातचीत करती हैं, संवाद करती हैं। राष्ट्रीय उद्यान एवं वन्य जीव अभयारण्य के कर्मचारी कैसे पहचानते हैं कि जानवर कहाँ हैं? तो जो वन्य जीव अभयारण्यों में या राष्ट्रीय उद्यानों में जो कर्मचारी रहते हैं,
तो वो विभिन्न प्रकार की आवाज़ें निकालकर भी ये पता लगा लेते हैं कि जानवर कहाँ है। या इसके साथ आजकल जो है ड्रोन को उड़ा लिया जाता है, ड्रोन से भी पता कर लिया जाता है। या फिर एक खास तरह की डिवाइस, एक खास तरह का उपकरण आता है अब जो जानवरों के गले में बांध दिया जाता है, इससे उनकी ट्रैकिंग होती रहती है, उनकी लाइव ट्रैकिंग होती रहती है। इससे भी उनको पता लग जाता है कि जानवर कहाँ है। तो आगे देखते हैं, अब हम इसमें अगली वर्कशीट है, इसमें यहाँ पर आपको क्या करना है, ये एक चित्र आपको दिखाए गए हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, ये 24 घंटे की एक घड़ी दिखाई गई है आपको, और नीचे घोड़ा, मगरमच्छ, जेब्रा, कुत्ता, इन चार अलग अलग समय में आपको यहाँ पर सोने का इनका समय दिया गया है। जैसे घोड़ा है ये सबसे ज़्यादा सो रहा है यहाँ पर, और इसमें जेब्रा जो है ये सबसे कम सो रहा है। घोड़ा सबसे ज़्यादा सोता है, इसके बाद कुत्ता सो रहा है, कुत्ते के सोने का समय सबसे घोड़े के बाद दूसरे नंबर पर है, इसके बाद मगरमच्छ है, और इसके बाद जेब्रा है। तो अब आपको इसके हिसाब से इन प्रश्नों के आंसर देने हैं। देखिए पहला प्रश्न है इसमें, उपरोक्त तालिका को देखकर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। तो आपको इन प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं, कौन सा जानवर सबसे अधिक सोता है। तो इस चित्र में आपको दिख रहा है कि घोड़ा सबसे अधिक समय तक सोता है, तो आप यहाँ पर लिखेंगे घोड़ा। कौन सा जानवर सबसे कम सोता है, तो ये है जेब्रा, तो आप यहाँ पर जेब्रा लिखेंगे, जेब्रा सबसे कम सोता है। इसके अलावा आगे देखते हैं, दूसरा प्रश्न है हमारा, उन जानवरों के नाम लिखिए जो सर्दी के मौसम में सोते हैं। तो ये हैं जैसे भालू है, मेंढक है, छिपकली है, कछुआ है, सांप है आदि, आप इस तरह से इनके नाम लिख देंगे। अब हम आगे बढ़ते हैं, ये तीसरा प्रश्न है हमारा, नीचे दी गई तालिका को देखकर निम्न प्रश्नों के उत्तर लिखिए। यहाँ आपको मिश्रित रूप से भूमि एवं समुद्री जानवरों की अधिकतम गति अथवा चाल, यहाँ जानवरों के नाम हैं और यहाँ पर इनकी गति है कि वो कितनी तेज दौड़ सकते हैं। जैसे चीता है ये 113 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से दौड़ सकता है, और जैसे घोंघा है ये 0.05 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चल सकता है। तो ये इस तरह से आपको टेबल दी गई है। अब इस पर आपको प्रश्नों के उत्तर देने हैं। सबसे पहला प्रश्न है, कौन सा जानवर सबसे तेज दौड़ सकता है, तो सबसे तेज दौड़ता है चीता, चीता 113 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ सकता है। कौन सा जानवर सबसे कम गति से दौड़ता है, तो कौन सा जानवर सबसे कम गति से दौड़ता है, ये है इसमें घोंघा। आप एक बार टेबल को देख लीजिए, घोंघे की जो स्पीड इसमें दी गई है ये है 0.05 किलोमीटर प्रति घंटा, तो इतनी रफ्तार से यह चल सकता है। आगे देखते हैं, जानवरों की दौड़ने की गति किस प्रकार उनकी मदद करती है, उदाहरण सहित लिखिए। अब यहाँ पर आपको उदाहरण भी देना है। जैसे देखिए, कुछ जानवर दूसरे जानवरों का शिकार करने के लिए बहुत तेज दौड़ते हैं। जैसे मान लीजिए एक चीता है, बाघ है, वो हिरण का शिकार करता है, तो वो हिरण के पीछे बहुत तेज गति से दौड़ता है हिरण को पकड़ने के लिए, लेकिन हिरण भी अपनी जान बचाने के लिए बहुत तेज गति से दौड़ता है। तो यहाँ पर ये हमारे सामने एक उदाहरण है कि जैसे बाघ हिरण का पीछा करता है, तो हिरण बहुत तेज दौड़ता है अपनी जान बचाने के लिए, और जो बाघ है वो उसको खाने के लिए, उसे पकड़ने के लिए, उसे अपना भोजन बनाने के लिए उसके पीछे बहुत तेज़ी से दौड़ता है। तो ये आप उदाहरण में यहाँ पर लिख सकते हैं, और ये अपनी गति का इस तरह से ये प्रयोग करते हैं। आगे देखते हैं, अगला प्रश्न है हमारा अगली वर्कशीट में, बाघ के संवेदी अंग किस प्रकार उसकी मदद करते हैं। तो जो बाघ के संवेदी अंग होते हैं तो वो किस प्रकार से उसकी मदद करते हैं, शिकार को खोजने में, उसकी स्थिति की सटीक जानकारी देने में बाघ के संवेदी अंग उसकी मदद करते हैं। तो ये आप यहाँ पर लिख सकते हैं। आगे देखते हैं, दूसरा प्रश्न है, नीचे दिए गए जानवरों के विशेष संवेदी अंग और उनके उपयोग के बारे में लिखिए। तो यहाँ पर सबसे पहले है चींटी, चींटी के संवेदी अंग हैं, जैसे चींटी जो होती है जब चलती रहती है वो, तो चींटी अपने मुंह से फेरोमोन नाम का एक रासायनिक पदार्थ का उत्सर्जन करती है, इससे वे एक दूसरे के पीछे चलती हैं। जैसे चींटी आपने देखी होंगी लाइन बना करके चलती हैं, तो वो क्या करती हैं, एक फेरोमोन नाम का एक रासायनिक पदार्थ छोड़ती जाती हैं, और पीछे आने वाली चींटी उसको, उसकी गंध को पहचान लेती है, और वो फिर उसके पीछे ही चलती रहती है। तो इस तरह से ये लाइन बना करके चलती हैं उस पदार्थ की वजह से ही। आगे देखते हैं, पक्षी
पक्षियों के संवेदी अंग है, विशेष संवेदी अंग है, जैसे इनके कान हैं, आँख हैं। पक्षियों के वैसे तो बाहरी कान नहीं होते हैं, तो इनके जो है अंदरूनी कान होते हैं, इनकी आँखें होती हैं। इनका यूज़ क्या है? इनसे वो अपने भोजन की तलाश करते हैं या खतरे आदि से अपने आप को सावधान करते हैं। ऐसे ही बाज है, बाज के लिए विशेष संवेदी अंग है, जैसे आँख, चोंच, यहाँ पर आप लिखेंगे चोंच, और पंजे। बाज की आँख है, चोंच है और पंजे हैं, तो वो क्या करता है? इनसे वह अपने शिकार को पकड़ता है। तो इस तरह से ये हमारा प्रकृति कक्षा 5 की जो कार्यपुस्तिका है उसके पार्ट 5 जीव जंतुओं की रोचक बातें, इसकी सभी वर्कशीट का हल है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा है तो कृपया करके इस वीडियो को आप लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।